हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल। सो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्पेशली सीडीएस के एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी आर इंटीजर्स सच दैट, आपको इक्वेशन दे रखी है इज 29/154। तो वैल्यू पूछी है आपसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इसको बेसिक से करने बैठ के तो आ गया आंसर। बेटा इसके हम सीखेंगे ट्रिक 30 सेकंड के अंदर, इसका आंसर कैसे निकालना है। आपने देखा यहाँ दे रखा है 29/154, सिंपल सा रूल है बेटा। 154 को आप 29 से डिवाइड कर दीजिए तो 29 से 5 टाइम आता है बेटा 145। यहां आया 9। उसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू से आपने पहले डिवाइड किया था बेटा उसको आगे ले आओ। 29 को आप आगे ले आएंगे फटाफट से, 9 3 जा 27, फिर से रिमाइंडर कितना बच गया बेटा 2। फिर से आप आगे बढ़िए, अब 9 को आपको आगे लेके आना बेटा, 2 4 जा 8, और क्या बच गया 1। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप में क्या करना है, इस 2 को आगे ले आओ। कितनी बार में गया, 1 से 2 टाइम 2, और यहां आ गया 0। अब आंसर आपके आंखों के सामने है बेटा, कैसे देखो, ये वैल्यू होगी आपकी ए, ये वैल्यू होगी आपकी बी, ये वैल्यू है सी, और ये वैल्यू है डी। आपसे यही तो पूछा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, तो ए है सर 5, बी है 3, सी है 4, और डी है 2। क्या आंसर आ रहा है, 8 8 और 4 12 12 और 2 14, आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह क्वेश्चन हमने कितने सेकंड में किया बेटा, 30 to 40 सेकंड के अंदर हमने सॉल्व कर लिया है। ऐसा एक और क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मैं समझा देता हूं, यहां पे बेटा आपको 2 दे रखा है, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा है मीन निकालना है इसका, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी ए बी सी की, उन तीनों को ऐड कीजिए, कितनी डिजिट है बेटा 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए। फटाफट से सॉल्व करके बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस की बेटा अगर आप और ट्रिक्स जानना चाहते हो, ऐसे कितने मेथड्स बनेंगे, क्या ट्रिक होगी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए शौर्य भारत ऑफिसर्स हब यूट्यूब चैनल को। जय हिंद जय भारत।